ज्ञान शिविरान्तस्य ज्ञानार्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कलामयं ददाति सर्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महावन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरदृषये नमः तप्तकाञ्चनगौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारौकृतवाङ्मुखाकं पाणौ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमताम्बरेशं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामनोदं शरणं प्रपद्ये भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासयोगिनं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 वैष्णव भक्त वृंद की जय परम वैष्णव शिव शंकर भगवान की जय हो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की
जय हो। बोलिए अनंत रसिक बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए जगत जननी श्री दुर्गा मैया की जय हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। समस्त संत समाज की जय हो। समस्त विप्रजनों की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। बोले भारत माता की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवत नाम का आश्रय लेकर नाम संकीर्तन करके हम सब अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, क्योंकि भगवान की कथा कहना एवं श्रवण करना ये हम सबके सामर्थ्य है। नाम ही कृपा करके हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे। इसलिए आज नाम भगवान की शरण लेकर बड़े प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करें। Thank you.
परम मंगल भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड जगदाधार जगदीश्वर जगत नियंता कौशल्यानंदन दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र एवं उनकी नित्य सहचारिणी नित्य अत्यंत प्रियतमा अनंत करुणा में श्री जानकी जी के श्री चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। साथ ही भगवान श्री सीताराम जी की कथा ही वाङ्मय रूप में प्रकट होकर आज हम सबके कल्याण के हेतु यहाँ प्रकट हुई। ऐसे श्री रामचरितमानस की इस पावन पोथी को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र को जो त्रेता से द्वापर और अब कलयुग तक पहुंचाने का जिनने बड़ा सुयश कार्य किया, ऐसे परम विद्वान श्री वाल्मीकि जी के श्री चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। उन्हीं की वाल्मीकि जी के द्वारा रचित श्री रामायण को लोक भाषा में भाषाबद्ध करने के द्वारा हम सब तक भगवान की कथा पहुंचाकर हम पर परम उपकार करने वाले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और भगवान की कथा के परम रसिक कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वास्तुवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति कृत राक्षसम्। अर्थात जहां जहां भगवान श्री राम की कथा होती है तो आपको तो आमंत्रण देना पड़ता है कि कृपया कथा में आने का हम पर आप उपकार कीजिए। किंतु जिस समय भगवान के अत्यंत दुलारे अत्यंत प्यारे हनुमान जी को पता चलता है कि प्रभु श्री राम की कथा होने वाली है तो कहते हैं सबसे पहले हनुमान जी आकर विराजमान होते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम इस दिव्य शिव मंदिर के प्रांगण में विराजमान अनंत करुणामय परम विष्णु परम दयालु आशुतोष भगवान भोलेनाथ जी के श्री चरणों में हम बारंबार और इस कथा को श्रवण करने आए दूर दूर से सभी वैष्णव भक्त अनंत करुणा में वात्सल्य मूर्ति गौरी स्वरूपा सारी बहनों को माताओं को व्यास पीठ से बारंबार प्रणाम। समस्त विद्वत जन समस्त प्रकट एवं अप्रकट रूप में विद्यमान सारे देवताओं को समस्त संतों को व्यास पीठ से बारंबार प्रणाम। और इसी के साथ मुझे अपात्र को भी सत्पात्र बनाने की कृपा करने वाले परम दयालु श्री गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए चलिए हम आज की कथा में प्रवेश करें। जैसा कि हम सबको विदित है ये हम सबका परम सौभाग्य है, कितने हमारे पूर्वज भगवान श्री राम जी को अयोध्या की पावन भूमि पर रामलला मंदिर पर विराजमान होकर देखने की इच्छा से अपने प्राण छोड़कर चले गए। किंतु ये सब हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सबकी उपस्थिति में आज 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में इस गुरुग्राम की पावन भूमि पर समस्त राम भक्तों ने इस पावन राम कथा का आयोजन किया। इसलिए मैं तहे दिल से आप सबका परम आभारी हूँ कि जो आज आपकी कृपा से इस दास को यथकिंचित भगवान के गुणगान करने का ये सेवा प्राप्त हुई है। तो आज हम आज से लगातार 9 दिन तक भगवान श्री राजा रामचंद्र की पावन कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कथा तो राम जी की 9 दिन खूब चली लेकिन आज ये कथा प्रारंभ होगी राम कथा की महिमा से।
वस्तुतः राम कथा श्रवण करने की आवश्यकता क्या है? हाँ, राम जी को तो हर कोई जानता है, छोटा बच्चा भी राम जी को, लेकिन क्यों राम जी की कथा को हमें श्रवण करना है? आप देखिए कितनी फिल्में निकल जाती हैं, कितनी गाने निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद जब रेडियो में चलते हैं तो कहा जाता है भूले बिखरे गाने, भूले पुरानी फिल्में, कहते हैं कि हमारे दशकों की फिल्में, किंतु लोग एक पिक्चर को भी दो चार बार देखकर उब जाते हैं, फिर थक जाते हैं कि भैया अब और हमसे देखी नहीं जाए। किंतु क्या विशेष है भगवान की कथा में कि त्रेता से लेकर आज कलयुग तक भगवान की कथा को न जाने अनंत कोटि लोगों ने गाया है, अनंत कोटि लोगों ने सुना है, लेकिन अब तक न गाने वाले थके हैं और न कभी सुनने वाले थके हैं। आज भी लोग राम कथा सुनते ही लोगों के नेत्र उठ जाते हैं, क्योंकि ये भगवान का चरित्र ही बना देते हैं। देखिए व्यक्ति जीवन में शिक्षा दो प्रकार से लेता है, एक है वाणी से और दूसरा आचरण से। वाणी से तो हम बड़ी बड़ी बातें बना देते हैं कि अरे संसार सब नष्ट नश्वर है, सब झूठ है, मोह माया है, किंतु वास्तविकता में इसे अपने मन में हृदयांगम करता है। बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उन बातों पर चल कर कौन दिखाता है? और इसी को आज सिद्ध करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र का अवतार। आप भगवान राम को देखिए तो भगवान ने अपने आचरण से हमें सिखाया कि एक श्रेष्ठ पुत्र का क्या दायित्व है, एक श्रेष्ठ भाई का क्या कर्तव्य है, एक श्रेष्ठ पति का क्या कर्तव्य है, एक श्रेष्ठ शिष्य का क्या कर्तव्य है, और सच कहूं तो एक श्रेष्ठ राजा का क्या कर्तव्य है, और एक श्रेष्ठ मनुष्य का क्या आचरण होना चाहिए, ये भगवान ने हमें सिखाया। और ऐसी श्री राम कथा को हम सब श्रवण करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको मैं बता दूंगा, मुख्य रूप से हम समस्त सनातन धर्मियों का जो मुख्य ग्रंथ है, जो मुख्य पुराण है, वो हमारा वेद है। वेद, वेद में ही हमारे सनातन धर्म की सारी ज्ञान और सिद्धांतों की बातें की गई, किंतु वेद पढ़ना इतना सामान्य है, वेद वही पढ़ सकता है जो परम विद्वान है, क्योंकि वेद को समझना उतना आसान है। किंतु कहते हैं उन वेदों का सार वाल्मीकि जी ने रामायण में अंकित कर दिया, रामायण के द्वारा वाल्मीकि जी ने समस्त वेदों का सार गृहित कर दिया। लेकिन आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया कि आगे एक ऐसा समय आएगा जब जनमानस को संस्कृत का भी ज्ञान नहीं होगा। आप सबसे मैं पूछूं कि कितनों को गीता का एक श्लोक आता है, किसी को आता है? मुश्किल से कोई एक दो होगा। कितनों को रामायण का कोई श्लोक आता है, भागवत जी का एक श्लोक आता है? नहीं। किंतु यदि कहूं किसी को मानस की एक चौपाई आती है तो हर एक को रामचरित मानस की चौपाई आती है। और कौन सी? वो चौपाई कौन सी है? सब एक समय मंगल भगवन अमंगल हारी, मंगल भगवन अमंगल प्रभु सुदर्शन प्रभु सुदर्शन Thank you.
रामचरितमानस की छत्र छाया में भगवान श्री सीताराम का यशगान करें। प्रमुख रूप से वेदों में चार प्रकार के धर्म बताए, वो धर्म कौन से हैं? एक है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म का जो अपनी माता पिता का आदर करे, जो अपने गुरु का आदर करे, जो घर पर आए अतिथि का आदर करे, संतों का आदर करे, ये होता है सामान्य धर्म। उसके बाद आता है विशेष धर्म। विशेष धर्म का अर्थ है जो ये सब कार्य करे लेकिन उसके साथ साथ भगवान की सेवा हो जाए, भगवान के लिए समय समर्पित करे। सामान्य धर्म का पालन भगवान श्री राम करते हैं। कहते हैं प्रात उठ के रघुनाथा, कि प्रात समय उठकर भगवान श्री राम गुरु पिता और माता के चरणों में वंदन करते हैं, अतिथि का गुरु का सबका सम्मान करते हैं। ये भगवान श्री राम सामान्य धर्म का पालन। उसके बाद है भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कैसे हैं? तो सामान्य धर्म का पालन करते हैं किंतु पूरा समय भगवान राम की सेवा में बिताते हैं। जो व्यक्ति अपनी सारी समय को भगवान के लिए अर्पित कर देता है, भगवान भी अपना समय उसे प्रदान करते हैं। भगवान का सीधा सा नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जिस प्रकार से आप मुझे मेरा भजन करोगे, ठीक उसी प्रकार से मैं आपका व्यवहार करूंगा। उसके बाद तीसरा जो धर्म है वो है विशेष धर्म। विशेष धर्म का अर्थ होता है सामान्य धर्म का पालन करो, विशेष धर्म का पालन करो लेकिन उसके साथ साथ भगवान की आज्ञा का पालन करो। भगवान की आज्ञा में, भगवान की रुचि में अपनी रुचि को मिला लो। और ये कौन करते हैं? तो ये भरत भैया करते हैं। आपको बताऊं आगे कथा आएगी। कहते हैं आगे चलकर जब भगवान राम वनवास को चले गए, उस समय भरत जी भगवान से मिलने वन की ओर गए और तब गुरु जी ने कहा, देखो भरत, मैंने राम को समझा दिया है और राम जी ने कहा है कि जो आप आज्ञा करेंगे गुरुवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन भरत, अब मैं अपना ये निर्णय भी तुम्हारे हाथों सौंपता हूं, अब तुम जो कहोगे अब राम वही करेगा। तब भरत जी ने तो यही चाहा कि भैया अपनी भाभी के संग वापिस अयोध्या को लौट। और तब भरत जी ने प्रार्थना की कि भैया, अब मैं आपको इस प्रकार और वन में तपस्या करते हुए दुख सहते हुए देख नहीं सकता, कृपया अब आप वापस लौट जाए। लेकिन तब भगवान राम ने कहा, हे भाई, मैं तुम्हारी बात मानने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता, किंतु उसके पूर्व तुम एक मेरी बात सुनो। मैंने वन में आने का निर्णय केवल अपने पिता के वचन पालन करने हेतु लिया। और पिता कैसे थे? तो पिता ये थे, दशरथ जी को प्राणों से अधिक वचन प्रिय थे। दशरथ जी ने प्राणों का त्याग कर दिया किंतु वचन का त्याग नहीं किया, और हम उन्हीं दशरथ की सत संतान हैं। पिताजी की ही नीति को आगे प्रवाहित करने के लिए मैं मन को आया हूं, तो मेरी बात मानो तो तुम भी पुनः अयोध्या को लौट जाओ और अयोध्या का राज्य लौट जाओ। भरत जी ने कहा, ठीक है भैया, लेकिन मैं भी आपको यह आज्ञा प्रतिज्ञा करता हूं
आपका भाई अयोध्या तो जा रहा है, लेकिन राजा बनकर ही आपका दास बनकर अयोध्या का राज्य तो आपकी चरण पादुका करेंगे। भरत तो आपके समान बन गए। तो ये है भरत जी, जो विशेषतर धर्म का पालन करते हैं। चौथे आते हैं विशेषतम धर्म, जो सर्वोत्तम धर्म है, और वो है शत्रुघ्न जी के द्वारा पालन। जब शत्रुघ्न जी को पता चला कि जिस समय हम अपने नाना जी के घर में थे, उस समय भगवान का वनगमन हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, और ये सब दुख भरी खबरों को सुनकर शत्रुघ्न जी से रहा नहीं। शत्रुघ्न जी सदैव भरत जी के चरणों में ही अपना निवास मानते और कहते थे, बड़े ही ये सारे संसार उलट पलट हो जाए, लेकिन जब तक मेरे सर पर भरत भैया का हाथ है, तब तक मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। मेरे माता पिता, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी तो केवल श्री भरत राम, अर्थात भगवान से अधिक भगवान के भक्त में प्रीति होना, वो राम से अधिक राम करदास, भगवान के भक्त में अधिक प्रेम होना, ये विशेष तंत्र है और इसका पालन भरत जी। तो ऐसे चारों भैया के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और उसके बाद आइए अब श्री रामचरितमानस में हम प्रवेश करें। आइए बड़े प्रेम से श्री रामचरितमानस का मंगलाचरण करें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड प्रथम श्लोक वर्णानामर्थ संघातना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सांखस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणगाम पुण्यारण्य विहारिणं वन्देह विदेह शुद्ध विज्ञान कविश्वर कपीश्वरं उद्भव स्थिति संहारकारिणं क्लेशहारिणं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभं यन्मायावर्षवर्ती विश्वमग्निं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादवशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेमः यत्तादपमेकमेव हि भार्वा बोधेस्तीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यं मीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय रघुरसीरघुनाथ दाता भाषा निबन्धमति मञ्जुमातु। इस प्रकार से ये रामचरितमानस का मंगलाचरण है। रामचरितमानस के मंगलाचरण में सर्वप्रथम तुलसीदास जी, श्री गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना कहते हैं। वर्णों को, अर्थों को, रसों को, छंदों को पवित्र करने वाली वाणी की देवी माँ सरस्वती एवं
मात्र स्मरण करने मात्र से समस्त कार्यों को मंगल पूर्वक संपन्न करने वाले श्री गणेश जी को हम बारंबार प्रणाम। उसके बाद भगवान माँ पार्वती और श्री भोलेनाथ की वंदना। कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माता पार्वती श्रद्धा स्वरूप है और भोलेनाथ विश्वास स्वरूप। देखिए ये जो भक्ति का पथ है, ये जो अध्यात्म का पथ है, इसकी शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। कहते हैं आदौ श्रद्धा, पहले जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब जाकर तो वो भगवान की प्रेम को प्राप्त करते हैं, और जब ये श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो वही विश्वास हो जाता है, और जब विश्वास हो जाता है तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान स्वतः भक्त के पास आ जाते हैं। आप कहेंगे उदाहरण बताइए, माता शबरी अपने गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती थी और उनके गुरु ने कहा कि हे देवी, तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कोई तीर्थ यात्रा कोई भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं, तुम इसी कुटिया में इसी झोपड़ी में निवास करो। और मैं कहता हूं एक दिन निश्चित वो रघुकुल के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तुम्हारे कुटिया में आकर तुम्हारा भोग स्वीकार। और देखिए माता शबरी को गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास था, तो वो क्या हो, उन्हें कहीं भटकना नहीं था, विश्वास रखा था कि गुरु ने कहा है तो गोविंद अवश्य है। हर रोज अपनी कुटिया को गुहारा करती थी और फलस्वरूप क्या हुआ, एक दिन भगवान ने आकर उन्हें दर्शन देकर उनके नेत्रों को प्रकाश किया। तो ऐसे श्री भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम। उसके बाद कहते हैं गुरु को प्रणाम किया, और गुरु को कैसे, तो गुरु शंकर रूपिणम, गुरुदेव साक्षात शंकर के समान। क्यों, शंकर जी की विशेषता क्या है, आप देखते हैं शंकर जी के मस्तक पर दुजी का अर्थात द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है। इसकी भी बड़ी निराली कथा आपको बताऊं, जब चंद्रमा अत्यंत क्षीण होने लगे पतले होने लगे तब चंद्रमा से रहा नहीं, कोई उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं था, और जिसके सारे द्वार बंद हो जाते हैं उसके लिए भगवान अपना द्वार खोलते हैं। चंद्रमा जान गया कि संसार में भोलेनाथ से परम दयालु कोई नहीं, चंद्रमा दौड़ते हुए गए और भोलेनाथ से कहते हैं हे भोलेनाथ, हे कृपा सिंधु, दया करो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, अब आप ही मेरे पालन हार। तब भोलेनाथ ने कहा बताओ क्या तुम्हारी समस्या है, प्रभु मैं दिन ब दिन क्षीण होते जा रहा हूँ, मैं शक्ति से हीन होते जा रहा हूँ, अब आप ही कृपा करो। भोलेनाथ ने कहा निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। और उसी क्षण उस द्वितीया को चंद्रमा को लेकर भोलेनाथ ने उसे अपने मस्तक पर विराजमान कर दिया। तो जिस प्रकार से भोलेनाथ ने उस अत्यंत क्षीण दुर्बल चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके उसकी शोभा को बना दिया, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव जो परम दया कर हम जैसे कुपात्रों को भी आज भगवान का प्रिय। तदुपरांत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के परम प्रिय श्री हनुमान जी की स्तुति की। कहते हैं हनुमान जी कपीश्वर है, कपियों के ईश्वर, और इतने भगवान के रसिक हैं कि एक क्षण भी भगवान के स्मरण के बिगर बिकता है, और आगे भगवान की कथा को लिपिबद्ध करने वाले श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। तदुपरांत गोस्वामी जी कहते हैं जो जगत जननी इस संसार को निर्माण करती है,
जो इस संसार का पालन करती है और समय आने पर इसका संहार करती है, जो अत्यंत करुणामयी है, अपने शरणागत के समस्त क्लेशों का हरण कर उसको निश्चिंत कर देती है, ऐसी भगवान श्री राम की वल्लभा अनंत करुणामयी विदेहनंदिनी माता जानकी को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। और उसके बाद भगवान राम लखन को प्रणाम किया और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने ये ग्रंथ क्यों निर्माण किया। लोग संसार में कुछ भी करते हैं तो अपनी नाम बढ़ाई चाहते हैं कि भाई हमारी फोटो खिंच जाए, हमारा नाम हो जाए। आपको बताऊं, संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। एक अधम कोटि के लोग, दूसरे मध्यम कोटि के लोग और तीसरे उत्तम कोटि के। अधम कौन है? अधम वो है जो कोई दूसरा बड़ी मेहनत करकर दिन रात लगाकर काम करता है और उसके ऊपर अपना नाम लगाकर जो नाम कमा लेता है वो अधम कोटि का व्यक्ति है। मध्यम कोटि का वो व्यक्ति होता है जो मेहनत करने के बाद कहता है, हाँ ये मेरी ही मेहनत के बलबूते पर आज मैं इस सफलता को प्राप्त किया, वो मध्यम कोटि का व्यक्ति है। और उत्तम कोटि का व्यक्ति कौन है? तो जो दिन रात मेहनत करे, दिन रात परिश्रम करे, लेकिन फल आने के बाद उसका श्रेय सब में वितरित कर दे, कह दे कि मैंने किया ही क्या है, ये तो सब आपकी कृपा से, वो उत्तम कोटि का। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का था कि हे समस्त श्रोताओं, मैं ये कथा आप लोगों को रिझाने के लिए नहीं, आप लोग मेरी नाम बढ़ाई करो इसलिए नहीं लिख रहा, मैं तो अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, अपने अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए इस राम कथा को लिख रहा हूं। और इस प्रकार ये मंगलाचरण संपन्न। उसके बाद ग्रंथ का प्रारंभ होता है सोने के साथ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करी बर बदन करहुं अनुग्रह सोई गुणविलास सुभगन सदन मूक होई बाजार पंगु चढ़े गिरि बर गहन जासु कृपासु दयाल प्रभु सकल करि मन रहन बंदन गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिनका स्मरण करने मात्र से, जिनका नाम लेने मात्र से कार्य सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ऐसे गणों के नायक बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उसके बाद कहते हैं मूक हुई वाचाल, गूंगा भी जिनकी कृपा से बोलने लगता है, पंगु चढ़े गिरिवर गहन जिसकी कृपा से गंगा भी ऊंचे पर्वत को लांघ जाता है, चढ़ जाता है, जासु कृपा सो दया जो ऐसे परम दयालु है वो भगवान मुझ पर कृपा। देखिए संस्कृत में एक श्लोक आता है, मूकम करोति वाचालम पंकुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। जिनकी कृपा से गूंगा भी बोल पड़े, लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाए, वो परम दयालु भगवान श्री राम मुझ पर कृपा करें। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने बड़ी विशेष बात कही, वहां कहा गया था पंगु लंगड़े गिरे कि जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं पंगु चढ़े गिरि पर गए जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत चढ़ जाता है।
तो चलने वाले ने प्रश्न किया, अरे महाराज आपने दो नंगरी को पर्वत पर चढ़ा दिया, उतारा क्यों है? तो तब गोस्वामी जी कहते हैं, क्या बताऊं, मेरे राम इतने दयालु हैं कि जो एक बार कृपा कर देते हैं तो जीवन में हमेशा ऊपर चढ़ता ही जाता है, कभी नीचे उतरता है। और तदुपरांत गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नील कमल के समान अत्यंत कोमल जिनका स्वरूप है वो भगवान श्री राम मेरे हृदय में वास करें, जो कपूर के समान अत्यंत श्वेत वर्ण के हैं ऐसे भगवान श्री भोलेनाथ जी मुझ पर कृपा करें। और अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप, कि मैं अपने गुरुदेव परम दयालु श्री नर हरिदास जी के चरणों में प्रणाम, जिनकी कृपा से महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकल, जिनकी कृपा से इस तुलसीदास के हृदय के समस्त अंधकार का नाश हो गया और आज इस तुलसीदास जी के भी अंदर भगवत यश गान करने की सामर्थ्यता। और आइए इसी के साथ अब हम रामचरितमानस की सबसे पहले चौपाई करें। बाबा ने रामचरितमानस की प्रारंभ गुरु जी की वंदना से प्रारंभ की, तो आइए प्रारंभ करें। बंदम गुरु पद पदम तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो गुरु के चरणों की रज की वंदना करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसी जड़ बूटी है जो नेत्रों के समस्त दोषों को विकारों को नष्ट करती है। और वो चरण रज की वो महिमा है कि जिसने एक बार उस चरण रज को मस्तक पर धारण कर लिया तो उसके ऊपर भगवत कृपा हो जाता है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु जी परम दयालु हैं, और गुरु कैसे हैं, गुरु इतने दयालु हैं कि अपने शिष्य के समस्त विकार को नष्ट कर उसे भगवान को समर्पित कर देते हैं। देखिए हम सब के लिए हमारे जीवन में जिनका सबसे बड़ा स्थान है वो केवल गुरुदेव है, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद तक मिलाने का पथ बताते हैं। आप जानते हैं कबीर दास जी ने क्या बात कही, कबीर दास जी कहते हैं
कबीरा के नर अंदर हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु थौर हैं, गुरु रूठे हरि थौर। वो लोग अत्यंत मूर्ख हैं जो गुरु को पराया हो, क्योंकि यद कदा अगर भगवान भी हमसे रूठ जाएंगे तो गुरुदेव कृपा कर भगवान को मना लो, लेकिन यदि हमसे अपने गुरुदेव की रूठ गए तो फिर हमें भगवान भी नहीं मिलता। इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काबू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। और ऐसे गुरुदेव की ओर प्रणाम करने के बाद आगे गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। कहते हैं, दंतौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। मैं समस्त ब्राह्मण समाज की वंदना करता हूं। अब आप विचार करेंगे कि ब्राह्मणों की वंदना करने की क्या आवश्यकता है, ब्राह्मणों में क्या खास बात है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ब्राह्मण महीसुर, महीसुर का अर्थ मही अर्थात पृथ्वी और सुर अर्थात देवता, अर्थात पृथ्वी के साक्षात देवता ब्राह्मण माने जाते हैं। ब्राह्मण भगवान को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मन जगता, ब्राह्मणों का हित करने के लिए, गौ माता का प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार है। ऐसे ब्राह्मणों को गोस्वामी जी ने प्रणाम। तदुपरांत गोस्वामी जी ने संतों को प्रणाम किया। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुजन सकल सब गुण खान, संत समाज कैसी है, तो संत समाज समस्त गुणों की खान है। और आप जान लीजिए, जिसके जीवन में संत आ जाए तो उसके जीवन में एक दिन भगवंत भी अवश्य आते हैं। कहा गया है, भगवान को जिस पर कृपा करनी होती है तो भगवान पहले उसके जीवन में संत को भेजते हैं। और संत कैसे हैं, तो कहा गया है, संत हृदय नवनीत संत, संतों का हृदय अत्यंत कोमल है। माई बाप एक बात बताऊं, संत बनने में और संत होने में जमीन आसमान का अंतर है। संत बनने में क्या समय लगता है, या तो जटाएं भरा लो या तो मुंडन कर लो, हो गए बाबा जी, लेकिन संत होने में बड़ा अंतर है। संत कौन है, जो दूसरे को दुख को देख कर जिसका हृदय पिघल जाए, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही सोचते रहे, दूसरे के भलाई के लिए कार्यरत रहे, वही संत है। और आपको बताऊं, संतों का संग ही वास्तविकता में जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। अर्थात बिना भगवान की कृपा से सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक का अर्थ क्या है, विवेक का अर्थ है जीवन में क्या करें और क्या ना करें इसका भली भांति ज्ञान हो जाना ही विवेक है। इस संसार में क्या सत्य है और क्या असत्य है इसका ज्ञान हो जाना ही विवेक है। हम लोग एक गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि संसार में चलाओ और अपना दिल मुझको लाओ, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम अपना दिल संसार वालों को देते हैं और बुद्धि भगवान के सामने चलाते हैं। कैसे, हम संसार को मनाने में, संसार को रिझाने में अपना दिन रात बिता देते हैं, नष्ट कर देते हैं कि अगर फलाने से मैं अगर घर नहीं जाऊंगी तो क्या कहेगी, वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे, संसार को रिझाने में मनाने में पूरा जीवन निकाल देते हैं। और जब भगवान के सामने आते हैं तो बुद्धि चलाते हैं। बुद्धि कैसे चलाते हैं, 10 रुपए का नारियल चढ़ाएंगे
और लाखों का फायदा हो जाए, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान मूर्ख थोड़ी ना है, भगवान भी जानते हैं कि इसे ये इसे मुझे ही मिला था ठगने के लिए, लेकिन भगवान तो भी उस पर दया करते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे कौन प्राप्त करता है, तो कहते हैं निर्मल जन मन सो मोही पावा, निर्मल कहते हैं सुनो भामिनी माता मानो एक भगति कर माता। भगवान ये नहीं देखते कि आप ब्राह्मण है वैश्य है शूद्र है या क्षत्रिय है, भगवान केवल देखते हैं क्या आप मुझे अपना मानते हैं। और इसलिए आज मैं आप सबकी बहुत सराहना करना चाहूंगा, आप लोगों का ये भगवान के प्रति इतना जो प्रेम है उत्साह है वो वाकई सराहनीय है। आज इस गुरुग्राम के समस्त वासियों ने ये साबित कर दिया कि आप सब वाकई भगवान के परम भक्त हैं। जिस प्रकार से पूर्ण उत्साह के साथ आप सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक भरी धूप में कलश यात्रा में भगवान के लिए कलश लेकर चले हैं, आप सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैं आप सबको बारंबार आभारी हूँ कि जो आज हम सब भगवान की कथा सुनने यहाँ उपस्थित हैं। देखिए भगवान एक बात कहते हैं कि तुम जिस विधि से मुझे भजोगे मैं उसी विधि से तुम्हें भजूंगा। आप लोगों ने भगवान के लिए इतना उत्साह इतना उत्सव मना रहे हो तो भगवान भी एक ना एक दिन आप सबके जीवन को उत्सवों से भर देंगे, ये बात निश्चित है। और इसलिए हम जैसा कि जानते हैं कि मुख्य रूप से यह राम कथा अयोध्या के उपलक्ष्य में हो रही है, और इसलिए आइए आज 500 वर्ष बाद हम लोगों का ये सौभाग्य ज्यादा है कि हम आगे चलकर कुछ ही दिनों के बाद भगवान श्री सीताराम को अपनी जन्मभूमि में राम मंदिर में विराजमान होता हुआ देखने जाएंगे। और वाकई आज हम सब रघुनाथ जी से प्रार्थना करेंगे, हे राघव जी आप अयोध्या में तो आ ही रहे हैं लेकिन हम भी तो आपको पुकार रहे हैं, तो कृपया आप भी कृपा करें, हम सब की छोटी टूटी फूटी जैसी भी हो कृपया हम सब की झोपड़ी में आकर हमारे भाग्य को जगा दें। Oh,
इसमें कोई भी संशय नहीं, और इसलिए भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उसके बाद पुनः अपने क्रम में चलते हैं। देखिए आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की तो वंदना की लेकिन दुष्टों की भी वंदना की। कहते हैं कि मैं दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं, क्यों? क्योंकि मैं दुष्टों को प्रणाम करकर प्रार्थना करता हूं कि भैया यदि तुम्हें दूसरों की जिंदगी बिताने से कुछ समय मिल जाए तो एक क्षण के लिए भगवान राम का भजन करकर देना। दुष्ट कौन है? दुष्ट वो है जो दूसरों की प्रगति देखकर जिसका मन ईर्ष्या से जल उठे, जो दूसरों की उन्नति को देखकर छटपटाने लगे, जो दूसरों को खुशी में देख न सके, वही दुष्ट है। जो हमेशा दूसरों की हानि करने का ही विचार बनाए, षड्यंत्र करे, वही दुष्ट है। और तब नारद जी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ और दुष्टों और संतों को दोनों को प्रणाम करता हूँ। बंधु संत असज्जन चरणा, और मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों की ही संगति दुख देती है। अब कैसे दुख देती है ये जानना चाहिए। तो कहते हैं मिलत एक दुख दारुण देही, बिछड़त एक प्राण। जब कोई दुष्ट व्यक्ति मिलता है ना तो उसके मिलते ही दिल में बड़ा दुख होता है कि ये कहां से आया। जब मारीच के पास रावण आया तो उस समय मारीच ने अपना मस्तक पटक लिया कि आज ये दुष्ट मेरे घर में आया है, अवश्य कोई ना कोई षड्यंत्र। तो मिलत एक दारुण दुख देही और बिछड़त एक प्राण। जब हमारे जीवन से संत भक्त हमें छोड़ चले जाते हैं तब भी हमें बड़ी पीड़ा। तो दुष्ट और संत दोनों दुख देते हैं, लेकिन भेद इतना है कि संत बिछुड़ते समय दुख देता है और दुष्ट मिलते समय। कबीर जी की बड़ी सुंदर वाणी है। कबीर जी कहते हैं कबीरा जब हम पैदा भए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। जब हम पैदा होते हैं तो संसार हंसता है, वाह लाला भूमि है लाली भूमि है, और हम रोते हैं प्रभु वापिस एक और जन्म लेना पड़ा और वापिस संसार के दुखों को सहना पड़ा। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाओ, संसार का होकर देख लिया एक बार, राम कर होकर देखो एक बार, भगवान कर होकर देखो, और देखो ऐसा अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ, उत्तम बनाओ कि जब जाने का समय आए तो जग जग हम हमसे जग। उस समय हम तो बड़े प्रसन्न हो कि जिस कारण से हमारा जन्म हुआ था वो सार्थक हुआ और हमारे विदाई के समय पूरा संसार होता। और इस प्रकार दोनों को गोस्वामी जी प्रणाम। उसके बाद गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं कि संतों का ऐसा प्रभाव है कि संत जिस पर कृपा कर दे तो वो कौआ भी कोयल की वाणी बोल सकता है। संत कैसे होते हैं? संत पारस मणि के समान होते हैं। अर्थात पारस मणि क्या करती है? यदि आप पारस मणि को किसी लोहे से छुला दोगे तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। तो पारस परस उधात सुहाग, जब संत किसी के जीवन में आ जाते हैं तो उसके जीवन को भी सोने के समान दिव्य बना देते हैं। संत कैसे हैं? स्वयं कष्ट सहन करते हैं लेकिन दूसरे के जीवन को सुखों से करते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार हम चंदन को घिसते हैं, हम चंदन को घिसते हैं तो चंदन को घिसने से क्या होता है? वो कभी दुर्गंध नहीं देता, हमेशा सुगंध देता है, शीतलता देता है। जब हम गन्ने को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, पीसते हैं तो वो क्या देता है? मीठा मीठा रस देता है। जब हम सोने को तपाते हैं, अग्नि में गर्म करते हैं तो हमेशा चमक देता है। ठीक उसी प्रकार संत को चाहे आप मारो, सम्मान करो, अपमान करो, वो हमेशा आपका भला। ऐसे
संतों को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और उसके बाद गोस्वामी जी संत से प्रार्थना करते हैं, बाल विनय सुनकर कृपा राम चरण रति हे संत भगवान, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए कि इस अभागे को भी भगवान श्री सीताराम के चरणों में प्रेम। देखिए जीवन में नाचना गाना तो खूब चलेगा, लेकिन माई बाप यदि इस कथा से आप एक ही सिद्धांत को, एक भी बात को अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये आपके जीवन का उद्धार है। उसके आगे इसके बाद गोस्वामी जी विभिन्न प्रकार की वंदना, सर्वप्रथम गोस्वामी जी अयोध्या की वंदना करते हैं। बंदौ अवधपुरी यति पावन, कि मैं अवधपुरी की वंदना करता हूँ जहां स्वयं त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री राम प्रकट हुए। और इसलिए आइए एक बड़ा सुंदर भगवान श्री सीताराम जी का और अयोध्या का हम भजन करें। ओ सीताराम जी की प्यारी, सब गाएंगे प्रेम। सीताराम जी की प्यारी रज धानिया गे, उमने I'm gonna go to the hospital.
गोस्वामी जी कहते हैं भगवान लक्ष्मण बड़े दयालु हैं। वस्तुतः लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, वो हम सबके गुरु हैं और लक्ष्मण जी की ही कृपा से हमें राम जी प्राप्त हैं। कहा गया है कि यदि लक्ष्मण जी झंडा हैं तो राम जी झंडा, अर्थात जैसे बिना झंडे की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार बिना लक्ष्मण जी के राम जी की शोभा नहीं होती। जिस प्रकार हम डंडे को जितना ऊंचा उठाएंगे झंडा उतना ऊंचा फहराएगा, ठीक उसी प्रकार जितना हम लक्ष्मण जी को मनाएंगे प्रभु श्री राम हम पर उतने ही दया करेंगे। उसके उपरांत अत्यंत प्रेम से आज गोस्वामी जी ने परम दयालु माता सीता की प्रार्थना वंदना करते हुए कहते हैं, जनक सुता जन जननी जानकी अतिशय जप करने का अधिकार है। वस्तुतः शास्त्रों की आज्ञा है कि गायत्री मंत्र का जाप केवल पुरुष वर्ग कर सकते हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि पुरुषों को देवी की कृपा चाहिए, पुरुषों को गायत्री माता की कृपा चाहिए, इसलिए पुरुष वर्ग गायत्री की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन माताएं तो स्वतः गायत्री स्वरूपा है, इसलिए उन्हें गायत्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी घोरवश कुछ माताएं कर सकते हैं। तो भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यदि माताओं को इतनी इच्छा है कि उन्हें गायत्री मंत्र को जपने का फल प्राप्त करना हो, तो गोस्वामी जी ने कहा कि रामचरितमानस की ये दो चौपाई, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताकि जुगपद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मुकुपावहु। यदि इसका पाठ आप लोग करेंगे तो आप सबको गायत्री मंत्र जप करने का फल प्राप्त होगा। ऐसे गोस्वामी जी हैं जो सबके हित का सोचते हैं। उसके बाद गोस्वामी जी अपने बारे में बताते हैं। गोस्वामी जी बताते हैं कि आखिर उन्होंने ये ग्रंथ रचना कैसे प्रारंभ। आप लोगों को रुचि तो है ना
शब्द करने की कितनों को इच्छा है? दोनों हाथ उठा के बताइए। कितने लोग जानना चाहते हैं कि आखिर गोस्वामी जी ने मानस रचे? कितनों को गोस्वामी जी के जीवन को जानना है? जानना चाहते हैं तुलसीदास जी का जीवन कैसा था? ठीक है, क्योंकि कहते हैं भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपोए, इनके पग बंधन करे नाशे विघ्न। चाहे भक्त हो, चाहे भक्ति हो, चाहे भगवान हो या चाहे गुरु हो, ये चारों कहने में चार हैं लेकिन मूल रूप से एक है। तो आज हम जानते हैं गोस्वामी जी कैसे। कहते हैं कि भगवान की दो प्रकार की कृपा होती है। कौन सी? एक अनुकूल कृपा और एक प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा मतलब आपके घर को धन धान्य से भर देंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करेंगे। तो आप कहोगे अच्छी भगवान की बड़ी कृपा चल रही है, धंधे में बड़ा मुनाफा हो रहा है, घर में सब कुछ खुशहाली है। तो ये है अनुकूल कृपा। लेकिन जरा ही घर में कोई संकट आ जाए, कोई जरा ही धंधे में आपको हानि होने लग जाए, तब आप कहेंगे अरे भगवान क्या नाराज हो गए, लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए, भगवान हमें सजा दे। लेकिन आपको बता दूं, भगवान जो भी करते हैं व्यक्ति के हित के लिए, और जो व्यक्ति ये सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लेगा उसका जीवन आनंद से भरा। हम लोग छोटी बुद्धि के हैं, हम ज्यादा दूर का देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हमें तो जिस प्रकार से एक बच्चा होता है वो सामने टॉफी को देख ले तो हट करने लगता है कि नहीं माँ मुझे अभी टॉफी खानी है, तो माँ कहती है ठीक है एक खा ले, फिर और हट करता है नहीं मैं तो पांच लेकर ही खाऊंगा, तब माँ उसे लेने से इनकार कर देती है, और यदि वो भी न माने तो एक थापड़ मारकर उसे शांत कर। अब आप वो बच्चा रोने लगे, कहने लगे माँ तू बड़ी बुरी है, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे टॉफी नहीं दी। तो उसमें माँ का क्या दोष है? माँ तो बच्चे का हित ही चाहती है। माँ जानती है कि यदि ज्यादा टॉफी खाएगा तो दांत आगे इसको ही खाना पड़ेगा, तो बच्चे के हित के लिए माँ से मार दी। तो इसलिए भगवान कभी हमारे जीवन को सुख से तो कभी दुख से भरते, लेकिन भगवान हमारा भला ही। तो आइए तुलसीदास जी के जीवन को जानते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी का जन्म आज से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व प्रयागराज और राजपुर एक गांव चित्रकूट के बीच में राजपुर नाम का एक गांव है, उधर सरयू जी के तट पर आज तुलसीदास जी का जन्म है। कहते हैं तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो दो विलक्षण बातें हैं। कहते हैं जब उन्हें जन्म देने जो बाई आई थी और जन्म देते समय उन्हें देखा कि तुलसीदास जी ने जन्म लेने के बाद रोया। प्राय हर एक बच्चा जन्म लेकर रोता है, लेकिन तुलसीदास जी जन्म लेते ही खिलखिलाकर हंस पड़े। तुलसीदास जी के मुखों में 32 की 32 दांत थे, और तुलसीदास जी ने जन्म लेते ही जय श्री राम का घोष, और उसके उपरांत तुलसीदास जी का नाग छेदन भी नहीं करना। अब वो बाई हैरान कि मैंने आज तक ऐसा अचंभा तो कहीं नहीं देखा, मुझे लगता है अवश्य ये कोई ब्रह्म राक्षस है, ये कोई राक्षस है, वरना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वो बाई गई और जाकर तुलसीदास जी के पिताजी को जाकर कहती हैं कि बड़े अचंभे की बात है महाराज, अरे पंडित जी आपके यहाँ लाला हो। तो बोले ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ऐसा वैसा नहीं, जन्म लेते ही वो रोया और नाम लेते ही जन्म उसने राम नाम पुकारा, मुझे लगता है ये कोई ब्रह्म राक्षस है, इससे आपके कुल की हानि होगी। तब उनके पिता विचार करने लगे, हो सकता है ये सत्य हो,
और तुरंत तुलसीदास जी के पिताजी गए और ज्योतिषाचार्यों के साथ बैठे तो देखते हैं कि ये बेटा तो भूलों में पैदा हुआ। आप जानते हैं ना, भूलों में पैदा होता है जो बच्चा, वो बड़ा उसका जीवन कष्टों से भरा होता है। अब तो तुलसीदास जी के पिताजी को संशय होने लगा कि कहीं ये पूरे कुल खानदान को खा न जाए, और वो मन में संशय करने लगे कि बताओ कहीं ये हमारे कुल को नष्ट न कर दे। और ये सोचकर आज तुलसीदास जी के पिता ने उनका मुख तक नहीं देखा। सोचो, एक भक्त के साथ ऐसा व्यवहार। और 4 दिन बीत गए, तुलसीदास जी की माया तुलसी जी, वो सोच रही है आखिर मेरे लाला का क्या दोष है जो 4 दिन बीत गए लेकिन इसके पिताजी इसका मुख नहीं देख रहे। और 4 दिन बाद धीरे धीरे माता तुलसी की तबीयत बिगड़ने लगी। अब माता तुलसी बड़ी घबराने लगी कि ऐसा लगता है कि अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं, अब मैं अपने प्राण को धारण नहीं कर पाऊंगी। और चिंता हो रही कि अब मेरे 4 दिन के बच्चे का कौन पालन पोषण करेगा। और तब 4 दिन बाद तुलसीदास जी की मैया ने उनकी बाई चुनिया को बुलाया कि अभी चुनिया सुनती हो क्या, ये गांव वाले मेरे पुत्र को अभागा और बड़ा दुष्ट कह रहे हैं, इस नादान बालक का क्या दोष है, अरे जो भगवान चाहेगा वही होगा, और तुम कैसे भी कर इसे लेकर मुझसे चले जाओ और इसका पालन पोषण करो, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरे प्राण अब जल्दी ही छूटने। और ऐसा कहकर आज 5 दिन की तुलसीदास जी को उनकी मैया ने चुनिया को देकर विदा किया। अगले दिन एकादशी तिथि आई और आज तुलसीदास जी की मैया का धाम बना। अब जैसे मैया की मृत्यु भई तो पूरे गांव नगर में हल्ला मच गया कि हमने कहा था ना कोई दुष्ट संतान पैदा हुई है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, लगता है ये एक ना एक दिन पूरे कुल को खा जाएगा। अब तुलसीदास जी के पिताजी दौड़ते हुए गए कि मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए जो कुल को ही नष्ट कर। तब तुलसीदास जी को ले जाकर विचार कर दिया, ऐसे पुत्र को तो मैं गंगा में बहा दूंगा, यही मेरे लिए लाभ। जब तुलसीदास जी के पिताजी तो देखते हैं तुलसीदास जी तो वहां थे, और तब पास ही नदी किनारे उस पार वो चिड़िया अपनी सासू माँ के साथ तुलसीदास जी का पालन पोषण कर रही है। 5 सालों तक तुलसीदास जी का पालन पोषण उस चुनिया दासी ने किया। 5 वर्षों बाद उस चुनिया दासी को भी सर्प ने दर्शन से मार दिया। अब वापस गांव में हल्ला मच गया कि हमने कहा था ना ये दुष्ट पुत्र है, जो इसको शरण देगा ये उसको नष्ट कर देगा। देखो अब गांव वालों ने भी तुलसीदास जी को धक्का मार कर निकाल दिया। 5 वर्ष के नादान तुलसीदास घर घर की ठोकर खाते हैं, भूख से दिन रात तड़पते हैं, मचलते हैं, कोई खाना दे दो, कोई एक कौर रोटी दे दो, लेकिन कोई नहीं देता। जो दिखता है कि हमारे घर के सामने से तुलसीदास जी गुजर रहे हैं, सोई वो घर वाले अपने घर के बारों को जोर से बंद कर देते हैं कि कहीं इस अभागी की नजर हमारे घर पर न पड़ जाए। बेचारे तुलसीदास जी घर घर की ठोकर खाने लगे, और आखिर में क्या किया पता है, तुलसीदास जी से रहा नहीं, वो समझ गए कि संसार वाला किसी को अपना नहीं मानता। तुलसीदास जी भगवान श्री माता पार्वती और भोलेनाथ की शरण में गए, रोने लगे कि हे भगवान, मैंने सुना है आप परम कृपालु हो, परम दयालु हो, अब मुझ पर दया करो नाथ, आप मुझ अनाथ के नाथ बन जाओ। और तब कैलाश में भोलेनाथ के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, और उसे देखकर माता पार्वती हैरान। माता पार्वती कहती है बाबा
आज आपके नेत्रों से अश्रु क्यों बह रहे हैं? भोलेनाथ कहते हैं, अरे माता पार्वती, आप तो जगत जननी हो, आप अन्नपूर्णा हो, भला आपके रहते हुए वो नादान बालक इस प्रकार भूखा डर बदर ठोकर खा रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। आप उस बालक पर कृपा करो, उसका पालन पोषण करो। और तब भोलेनाथ के कहने पर आज कैलाश से माता पार्वती खीर का दोना लेकर उस 5 वर्ष के तुलसीदास जी के पास गए। और आज रात भर भगवान की चौखट पर सर रखकर तुलसीदास जी रोते रहे, और भोर भरी तो तुलसीदास जी के कानों में आवाज आई, अरे वत्स, मेरी ओर। कई वर्षों के बाद आज तुलसीदास जी को ऐसा लगा कि मानो मेरी माँ मुझे पुकारे। तुलसीदास जी दौड़ते हुए पीछे की ओर भागे तो देखते हैं एक बुढ़ी के रूप में माता पार्वती हाथ में खीर लेकर। माता पार्वती ने तुलसीदास जी को पुचकारा, अपनी गोद में बैठकर दुलार की और प्रेम से कहती हैं, मैं जानती हूँ बेटा तुम कई दिनों के भूखे हो, लो मैं तुम्हारे लिए खीर लाई, इसे पालो। तब माँ के हाथ से तुलसीदास जी ने खीर खाई और मानो जन्मों जन्मों को के भूखे थी, आज उनकी भूख शांत हो। तुलसीदास जी को आज लाल दुलार कर आज पुनः मैया जाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैया आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तब माता पार्वती कहती है, बेटा तुम यहीं रुके रहना, यही भगवान का भजन करना, मैं कल वापस तुम्हें आकर खीर खिलाऊंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती चली गई और हर रोज आकर माता पार्वती गोस्वामी जी को खीर खिलाती। करते करते 2 साल बीत गए और अब गांव वाले हैरान, सोच रहे हैं कि वो दर दर ठोकर खाने वाला वो बच्चा आखिर कहाँ गया, कई साल हो गए वो दिखाई नहीं देता। किसी ने बताया वो शिवजी के मंदिर की चौपट पर दिन रात पड़ा रहा। गांव वालों ने सोचा, चलो देखते हैं आखिर वो क्या करता, आखिर उसको खाना कौन खिला रहा है, वरना हमारे गांव वालों की बड़ी नाक कट जाएगी कि हमारे गांव के किसी भूखे आदमी को बाहर से आके कोई खाना। सोचो समाज इतनी दुष्ट है कि उनसे ये नहीं देखा जा रहा कि बालक भूखा मर रहा है, लेकिन यदि कोई किसी का भला कर रहा हो तो वो भी सम्मान से देखा नहीं। आज एक बुढ़ी माँ को उधर निगरानी में रख दिया कि देखो आखिर तुलसीदास जी को हर रोज कौन खिलाने आता। अब जैसे ही तुलसीदास जी के पास पुनः माता पार्वती वो खीर का दोना लेकर आने लगी, उसी समय उस बुढ़ी ने अपनी लट आगे कर दी और कहती, ठहरो तुम कौन हो और हर रोज आकर इस बालक को क्यों खीर खिलाती है? माता पार्वती संकोच में पड़ गई, छोटा सा बच्चा है, दया आ जाती है, इसलिए सोचती हूँ हर रोज कुछ घर का बना इसे भी खिला दूँ। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? बोले, नहीं अब से तुम यहाँ नहीं हो। उस दिन का आज आखिरी बार मुझे तुलसीदास से मिलने, और तब तुलसीदास जी को अंतिम बार खीर खिलाकर माता पार्वती कैलाश को चली। और माता पार्वती कहती है, भोले बाबा अब मुझसे और रहा नहीं जाएगा, अब मैं कितने दिन और इस छोटे बच्चे का पालन पोषण करूं, अब आप ही इसकी कोई व्यवस्था बनाइए। तब भोले बाबा ने कहा, हाँ बाबा दीदी, मैं जल्द से जल्द तुलसीदास की व्यवस्था करूं। तब वर्णन है भोलेनाथ ने अवध में रहने वाले नरहरि दास जी के सपने में दर्शन किया। पहली बार ऐसा हुआ कि नरहरि दास जी को सपने में भोलेनाथ का दर्शन। कहते हैं, प्रभु बताइए किस हेतु से आपने मुझे दर्शन दिया?
भोलेनाथ ने कहा कि खेल शिवर वहाँ सरयू जी के गंगा के तीर पर एक 7 वर्ष का छोटा सा बालक है, वो भूखा मारा यहाँ वहाँ भटकता है, आप उस पर कृपा करो, उसे स्वीकार करो, उसे अपना शिष्य बनाओ और अपने साथ अयोध्या ले जाओ। ये सुनकर आज गुरुदेव हैरान है कि आखिर उस बालक में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो स्वयं भोलेनाथ मुझे कह रहे हैं कि उस बालक के पास। तब भोलेनाथ ने कहा, वो तो आपको समय आते पता चलेगा कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये जगत के उद्धार करने के लिए स्वयं वाल्मीकि जी ही तुलसी के रूप में प्रकट हुए। और तब आज नरहरी दास जी निकले हैं और राजापुर गांव में। अब पुनः कई महीने बीत गए, तुलसीदास जी मैया की राह देखते हैं, न जाने वो माँ आज मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, वो मुझे खीर खिलाने क्यों नहीं आती। लेकिन आज उनके गुरु नरहरिदास जी का, नरहरिदास जी ने कहा, वत्स मेरी ओर, आज जैसे ही तुलसीदास जी ने पुनः वो वत्स की ध्वनि सुनी तो ऐसा लगा मानो आज उनके जीवन में पिता का आगमन हो गया। न आज तुलसीदास जी भागते हुए गए और नरहरि जी का पटका पकड़ लिया कि अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अब आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। तब बड़े प्रेम से नरहरिदास जी ने तुलसीदास को पुचकारा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब तो मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूं। और तब तुलसीदास जी को अयोध्या का प्रसाद खिलाया और बड़े प्रेम से तुलसीदास जी को लेकर चल पड़े अयोध्या को। बड़ा पैदल यात्रा करते हुए कई दिनों में अयोध्या गए। अयोध्या के तीर पर तुलसीदास जी का मुंडन हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और कहते पुत्र, तब तुलसीदास जी को उनके गुरु ने राम मंत्र की दीक्षा करवाई। और फिर आखिरी बात रह गई थी, वो था नामकरण करना। गोस्वामी जी के गुरु जी ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या था? तब गोस्वामी जी ने कहा, मेरा तो नाम किसी ने कुछ रखा नहीं, सब मुझे अभागा अभागा कहते थे, कोई मुझे नाम बोला करता था, अब आप ही जो मुझे नाम दोगे मैं स्वीकार करूंगा। तब उनके उस दिव्य विभूति को देखकर उनके गुरु ने कहा, बेटा जिस प्रकार भगवान को तुलसी अति प्रिय है, चाहे आप 56 भोग शुद्ध देसी घी से बनाकर भगवान के सामने रख दो, लेकिन यदि उस पर तुलसी का दर न हो तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान को इतनी प्रिय है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि इसलिए अब से मैं तुम्हारा नाम तुलसीदास करता हूँ कि जिस प्रकार भगवान को तुलसी अति प्रिय है, अब से तुम भी भगवान को अति प्रिय हो। इस प्रकार तुलसीदास जी का भगवान ने नाम करा और हर रोज गोस्वामी जी को उनके गुरु जी राम कथा सुनाते और आगे आगे चला समय बीता और फिर गोस्वामी जी को काशी भेज दिया गया। 15 वर्षों तक गोस्वामी जी ने काशी में समस्त वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके उपरांत जब गोस्वामी जी 25-30 वर्ष के हुए, बड़े नौजवान सुंदर हो गए, तो आज उन्होंने विचार किया, क्यों ना मैं अपने घर की ओर एक बार चल जाऊं, एक बार पिताजी से मिल लूं, पिता से मिलने की बड़ी इच्छा हो। आज गोस्वामी जी पुनः अपने गांव गए कि देखूं तो सही पिताजी कहाँ। लेकिन कहते हैं गोस्वामी जी के पिता का भी देहांत हो गया। तब गांव वाले जैसे ही तुलसीदास जी गांव में आए तो तुलसीदास जी के चरणों में पड़ने लगे, अरे कोई बहुत महापुरुष आए,
सब तुलसीदास जी के चरण धोने लगे। तुलसीदास जी बड़े जोर से हंसने लगे। गांव वालों ने कहा, बाबा ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना हंस रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा, अरे गांव वालों, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो ही अभागा 5 वर्ष का पुत्र हूँ जिसे तुमने धक्के मारकर गांव से निकाल दिया था। लेकिन आज जब से मुझे राघव ने स्वीकार किया है तो तुम लोग मेरे पेट पूछ रहे हो। और तब वो स्वामी जी की उस दिव्य प्रतिभा को देखकर गांव वालों ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई, जिस दिन से आप हमें छोड़कर गए हैं उस दिन से हमारे गांव की भूमि बंजर पड़ गई है, हमारे गांव में एक ना एक संकट आने लगा, आप कृपा कीजिए, अब आप हमारे गांव में ही निवास करें। तब गोस्वामी जी चित्रकूट में ही अपने गांव में निवास करें। वर्णन है, हर रोज गोस्वामी जी अपनी कुटिया में भजन करते और शाम के समय सारे गांव वालों को राम कथा सुनाते। एक दिन की बात है, जब इतनी भीड़ हो गई कि गांव नदी पार भी बात पहुंच गई कि एक बड़े विद्वान ब्राह्मण है जो हर रोज बड़ी सुंदर राम कथा करते। तब एक ब्राह्मण, बुजुर्ग ब्राह्मण अपनी कन्या को लेकर उनकी कथा सुनी और देखते क्या है कि तुलसीदास जी के रूप को देखकर वो अपना दिल उनको दे रहे हैं। कहते हैं कि अब मैं अपने पुत्री का विवाह तुलसीदास जी से ही कराऊंगा। और उनकी पुत्री थी रत्ना। कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुलसीदास से कराऊंगा। प्रार्थना की कि आपकी इच्छा हो तो मेरे पत्नी पुत्री के साथ विवाह कर आप गृहस्थ धर्म में चले जाएं। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं, भगवान के भजन के अतिरिक्त मेरे पास समय ही नहीं। तब महाराज वो ब्राह्मण अनशन पर बैठ गए, 5 दिनों तक भूखे प्यासे भोले बाबा से मनन करते रहे कि हे बाबा, कैसे भी आप तुलसीदास जी से मेरी कन्या का विवाह कर। तब सपने के समय तुलसीदास जी के सपने में भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, तुलसीदास मेरी बात मानो तो तुम उस ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करो। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु जब एक बार मैंने अपना जीवन इमें समर्पित कर दिया तो मैं संसार को भला कैसे अपना सकता। तब गोस्वामी जी को भोलेनाथ ने कहा, नहीं तुलसीदास, यदि तुम विवाह करोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें भजन में कई करोड़ गुना आगे बढ़ाएगी, ये बात तुम गात। तब तुलसीदास जी ने रत्नावली के साथ विवाह किया और बड़े प्रेम से बड़ी सुंदर समस्त कलाओं में निपुण रत्नावली तुलसीदास जी की हर रोज सेवा करती। इतनी पतिव्रता थी कि जब से शादी हुई तब से 5 साल बीत गए, एक भी दिन मायके नहीं। और तुलसीदास जी भी अपना दिल अब अपनी पत्नी को दे गए। अब भजन में मन कम और पत्नी में ज्यादा लग गया। एक दिन किसी काम से तुलसीदास जी कहीं बाहर गए हुए। उस दिन उनकी पत्नी रत्नावली की जो माँ थी उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। तब उनके भाई ने आज रत्नावली को मायके लाने का विचार किया। रत्नावली के पास आए और कहते, बहन माँ की तबीयत बड़ी खराब है, माँ की अंतिम ख्वाहिश है कि आखिरी बार तुझे देखना चाहती है, चल मेरे साथ मायके चल। रत्नावली ने कहा, नहीं, मेरे पति मेरे बिगैर एक दिन भी नहीं रह सकते, मैंने छोड़कर नहीं जा सकती। तब उनके भाई ने समझाया, अरे एक दिन की ही तो बात है, तू कहे तो मैं तुझे शाम तक वापस लौट आऊंगा। रत्नावली ने कहा, ठीक। रत्नावली ने तुलसीदास जी के नाम पत्र लिख दिया और छोड़कर चली आई।
और यहाँ पर रत्नावली मायके में थी उतने में शाप हो गई और तुलसीदास जी घर को देखते हैं आज घर खाली है, मेरी पत्नी कहाँ है। तब पत्र लिखा कि रत्नावली तो मायके गई हुई, शाम तक आ जाएगी। लेकिन जैसे शाम हुई तो महाराज तूफान आ गई, आंधी आ गई, नदी में बाढ़ आ गई। और अब तुलसीदास जी के मन में चिंता होने लगी कि अब मेरी पत्नी का क्या होगा। और रात को तुलसीदास जी सोने गए, लेकिन पत्नी के बिना उन्हें नींद नहीं आ रही, एक क्षण नहीं कट रहा था। कह रहे थे कि यदि एक क्षण भी अब रुका तो पत्नी के विरह में मेरे प्राण छूट जाएंगे, इससे अच्छा है जाकर पत्नी से मिले। और तब भरी रात में तूफान बारिश में तुलसीदास जी अपनी कुटिया से निकले और आज गंगा नदी को पार करने लगे। नदी में बाहर बाढ़ आ गई और इस भाव में एक शव को सहारा बनाकर तुलसीदास जी आज नदी पार किया। और जैसे ही अपने ससुराल पहुंचे तो रात्रि के समय सब सो गए। तुलसीदास जी ने विचार किया कि यदि इस समय खटखट करी तो सब लोग उठ जाएंगे, क्यों ना पीछे में छलांग लगाकर घर में घुस जाऊं। उतने में तुलसीदास जी पीछे गए और उस घर के पीछे एक विषैला सांप था, उसे उनने रस्सी समझ लिया और छलांग लगाकर नीचे धड़ाम से गए। और भरी रात में अपनी बहन के पास गए, अपनी पत्नी के पास गए। कहते हैं अरे रत्नावली सुनती हो, उठो। अपने पति की आवाज सुनकर रत्नावली हैरान हो गई, जो धम से उठी, कहती है अरे पतिदेव आप यहाँ कैसे आ गए, इतनी रात में तूफान आंधी में भला आप कैसे आ गए, बताइए तो जरा। तुलसीदास जी ने कहा तुमने नौका रखी थी ना, उसी नौका के सहारे मैं यहाँ तक आया। इतने में तुलसीदास जी गए तो देखते हैं वो नौका नहीं, वो एक मरा हुआ शव था। और फिर आपने घर के भीतर कैसे प्रवेश किया, तो कहते मैं रस्सी से कूद कर आया, तो जो देखा वो रस्सी नहीं, वो तो विषैला सांप था। अब तो पत्नी गौरा है, कहने लगी आप मुझ में इतने आसक्त हो गए, अपनी पत्नी में इतने आसक्त हो गए कि अपने प्राण की बाजी लगाकर आप इस घोर रात्रि में मेरे पास आए हैं। अरे आप मूर्ख हैं, धिक्कार है आपकी भक्ति को, धिक्कार है आपके भजन को, धिक्कार है आपकी रामकथा को। यदि इससे आधा भी आप भगवान के प्रेम चरणों में प्रेम करते तो आज अब तक आपका उद्धार। ये बात सुनकर तुलसीदास जी हैरान हैं और आज मानो कि आंखों से नेत्र अश्रु हैं। कहते हैं कि आज तुमने मेरे नेत्र खोल दिए, आज तुमने वाकई इस सोते हुए तुलसीदास को जगा दिया। हाँ मैंने गलती कर दी, जो मैंने राघव को छोड़कर आज तुम्हारे पीछे पागल। और तब तुलसीदास ने कहा देवी तुमसे परम उपकारी मेरे जीवन में और कोई नहीं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, शायद भविष्य में कभी हमारी मुलाकात ना हो लेकिन आज मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और ऐसा कहकर तुलसीदास जी चल पड़े। जो ही तुलसीदास जी चल पड़े उतने में अब रत्नावली के मन में पीड़ा होने लगी, हाय राम आज मैंने क्रोध में आके अपने पति को क्या भला बुरा कह दिया। और तब तुरंत रत्नावली ने अपने भाई को भेजा, जाओ मेरे पति को मना कर लाओ। अब उनके पति भाग रहे, गोस्वामी जी बात मान लीजिए, बहन का कोई दोष नहीं, मैं ही उसे लेकर मायके आया था, मेरी बात मान लीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए, आप रात्रि तक मेरे पास रह जाइए, कल सुबह मैं आप दोनों को सकुशल अपने घर लौटा दूँ। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, अब सोने का वक्त चला गया, अब तो जागने का समय आ गया, अब ये तुलसी और नहीं सोएगा, अब ये राम के हृदय में जागेगा। और ऐसा कहकर तुलसीदास जी चले गए। पीछे वापस भाई आया, भाई कहता है बहन तू डर मत,
तेरा भाई अब जिंदा है, अंतिम श्वास तक मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, तेरे सुहाग पर तेरे सम्मान पर मैं एक आज नहीं आने दूंगा, तू डर मत। रत्नावली कहती है, आप बातें मत बनाओ, ये बताओ कि मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। कहते हैं हाँ, उन्होंने कहा है, अब वो कभी लौट कर नहीं आए। जो ही ये बात आज रत्नावली ने सुनी तो हाँ पतिदेव, हाँ पतिदेव कहते हुए आज पति के विरह में रत्नावली ने भी प्राण छोड़े। रत्नावली को हम बार-बार आए, ये देखकर आज पूरे घर वाले हैं। और तब रत्नावली से, ये रत्नावली कोई सामान्य नहीं, स्वयं भगवान राम की कृपा ही रत्नावली के रूप में आई थी। और तब तुलसीदास जी प्रयागराज, और प्रयाग में जा करके उन्होंने वैराग्य ले लिया, बाबाओं का वेश धारण कर लिया। 15 वर्षों तक उन्होंने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया, समस्त संतों का, वेद व्यास जी का, सबका दर्शन प्राप्त किया। और अंत में तुलसीदास जी काशी में आ गए। कहते हैं कि अब ये शरीर बुढ़ा हो गया है, अब मुझे प्राण छोड़ना है तो काशी में ही अपने प्राण छोड़ो। और काशी में प्राण छोड़ने से पहले तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने अपना जीवन अपने राम को समर्पित किया है, मरने से पहले अपने राम के प्रेम को मैं संसार में बांटना चाहता हूँ, लेकिन कैसे बांटूं, कथा तो लोग सुनकर भूल जाएंगे, आज की कथा कल कौन याद रखेगा। और तब तुलसीदास जी ने विचार किया कि अब मैं एक ग्रंथ लिखूं। काशी में तुलसीदास जी भोले बाबा की आज्ञा लेकर ग्रंथ लिखने लगे, और ग्रंथ को संस्कृत में लिखने लगे। लेकिन 7 दिन बीते, हर रोज दिन में तुलसीदास जी लिखते हैं और रात्रि के समय उन पन्नों को चुरा लेगा, कोई चुरा जाता है। गोस्वामी जी हैरान है, आखिर ये क्या हो रहा है। तब गोस्वामी जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु आप बताइए क्या हो रहा है। तब भोले